श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी, इंडियाज जीडीपी शॉर्ट्स अप एट 7.8% एज अमेरिकन कंपनीज से। क्या बात है जी, इतनी जबरदस्त ग्रोथ और इंडियन इकोनॉमी की। आइए मिलके देखते हैं जबरदस्त सी वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ लाइफ में ना काफी बार पर्सनल लेवल पर भी आपने देखा होगा, लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोग कहते हैं कि आप ये नहीं कर पाएंगे, आपसे ये नहीं हो पाएगा। बट सबसे ज़्यादा आनंद भी तब मिलता है जब आप उनको गलत साबित करते हो, आप अकॉम्प्लिश करके दिखाते हो अपने गोल्स को। और हाल ही में इंडिया ने यही किया है। मूडीज ने कम्प्लीटली अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी है, ये देखकर कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है 3 महीने की, पहले क्वार्टर की जो ग्रोथ रेट है ये 7.8% रजिस्टर हुई है। एक साल में इतना बड़ा स्पाइक देखा नहीं गया, किसी को भी नहीं थी कि इंडिया इतना बड़ा स्पाइक दिखाएगा ग्रोथ रेट में। और अगेन आपको यहाँ पर कंपेयर करना होगा कि इंडिया ने अप्रैल 2023 से लेकर जून 2023, मतलब के अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर अभी कब शुरू हुआ था, अप्रैल में ना, अप्रैल से लेकर मार्च में चलता है फाइनेंशियल ईयर। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके पहले क्वार्टर में इंडिया ने 7.8% की ग्रोथ रेट दर्ज करी है। चाइना की ग्रोथ रेट जितना लोगों को उम्मीद थी उतनी नहीं आ पाई, चाइना ग्रो किया है 6.3% पर। इंटरेस्टिंगली तीसरे स्पॉट पे आपको मिलेगा इंडोनेशिया, 5% के आसपास ग्रो कर रहा है। रशिया आज भी इवन आफ्टर ऑल द सैंक्शंस पहले क्वार्टर में इनकी ग्रोथ रेट रही है लगभग 5% के आसपास। फिर आपको दिखेंगे बाकी देश जैसे कि यूएस, जापान, साउथ कोरिया, और फिर ऑफ कोर्स कुछ ऐसे कंट्रीज भी आपको दिखेंगे जो रिसेशन में जा चुके हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी, जर्मनी आपको बताऊंगा, मैं बता चुका हूं आज के समय मंदी में है क्योंकि इनकी जो ग्रोथ रेट है ये नेगेटिव में चली गई है। तो इंडिया एक ऐसे माहौल में जब जर्मनी जैसे कंट्रीज टेक्निकली रिसेशन में जा चुके हैं, इनकी ग्रोथ रेट नेगेटिव में है, स्काई हाई ग्रोथ रेट रजिस्टर कर रहा है। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? इम्पैक्ट ये हुआ कि यूएसए का जो दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक है मूडीज, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। ये अब कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से इंडिया साल 2023 में, इस फाइनेंशियल ईयर में 6.7% ग्रो कर जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, मूडीज ने ही आज से कई महीने पहले ये कह दिया था कि इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की खास ग्रोथ रेट नहीं रहेगी। इन्होंने ये कहा था कि इंडिया एट मैक्स 5.5% ग्रो करने वाला है। जी हाँ, प्रेडिक्शन इंडिया के बारे में बहुत खराब थी, मगर इंडिया के पहले क्वार्टर के नंबर देखकर मूडीज ने खुद की जो प्रेडिक्शन है सही कर ली है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया 6.7% तो ग्रो करेगा। और मेरा ये मानना है कि लगातार अगर हम परफॉर्मेंस दिखाते रहते हैं, इसी तरीके से ग्रो करते हैं, तो आराम से हम लोग 7% के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं इन डेप्थ, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया था, इसमें से किस डे को एज नेशनल स्पेस डे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अगस्त 30, अगस्त 23, अगस्त 25 या फिर अगस्त 27। कॉमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ देखो, वैसे इंडिया की जो ग्रोथ रेट के नंबर्स आए हैं ये देखकर बिल्कुल कई लोगों ने अपनी जो प्रोजेक्शन है ये चेंज कर दी है। बट एट द सेम टाइम हमें एक और बात ये भी देखनी होगी कि जब भी एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तब उसका जो पहला क्वार्टर होता है, पहले के आप अगर देखोगे उसके 3 महीने की ग्रोथ रेट को, तो वो यूजुअली हाई होती है। आप अगर यहाँ पर देख पाओ 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके पहले क्वार्टर में आप देखोगे तो कोविड से जब हम उभर रहे थे सीधा एक ह्यूज जंप आया, 21% से ऊपर की जो ग्रोथ रेट है ये दिखी थी पहले 3 महीनों में। सेम केस हमको दिखा 2022-23 में, इनिशियल 3 महीनों में 13% की ग्रोथ रेट। और अब भी हम देख रहे हैं कि ये जो स्पाइक आया है ये पहले क्वार्टर में दिखा है ना। वैसे आप अगर देखो पिछले जो 3-4 क्वार्टर हमारे गए हैं 2022-23 से लेकर अब तक, इसको आप कंपेयर करोगे तो ये जो 7.8 की ग्रोथ रेट है बहुत इंप्रेसिव लगती है। बट चैलेंज यही होता है कि पहले क्वार्टर में जो आप ग्रो कर लिए क्या उसको आप फॉलो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें तो चांसेस अच्छे लग रहे हैं कि इंडिया एक स्टेबल ग्रोथ रेट दिखाता रहेगा। इसका रीज़न क्या है? रीज़न देखिए ये है, जब दुनिया भर में कंजम्पशन कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं दुनिया भर में,
ऐसे टाइम में भी जब इंडिया 7.8% की ग्रोथ रेट कर सकता है रजिस्टर, तो मतलब कि इंडिया की जो इकोनॉमी है फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। और जब मैं कहता हूं कि इंडियन इकोनॉमी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो इसका मतलब क्या है, हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि कितनी देर तक हम ये ग्रोथ रेट कंटिन्यू रख पाएंगे। देखिए, भारत सरकार में आज के समय जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, ये कह चुके हैं कि इंडिया इस पूरे दशक में, अभी जो दशक चल रहा है, जो स्टार्ट हुआ था 2020 में, ख़त्म होगा 2030 के आसपास, तो इस दशक में इंडिया आराम से ऑन एन एवरेज मिनिमम 6.5% तो ग्रो करता रहेगा। बीच बीच में हो सकता है कि आपको 7% की जो ग्रोथ रेट है किसी फाइनेंशियल ईयर में, ये भी आपको दिखे। अब यहाँ पे आप कहोगे तो मतलब कि हम लोग 10% या इवन 9% के आसपास ग्रो नहीं करेंगे। देखिए, वो करने के लिए हमें एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी, प्राइमरली एजुकेशन जो है हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स की, इसे रेडिकली ट्रांसफॉर्म करना होगा, तभी 9-10% के आसपास हम देख सकते हैं। क्योंकि अभी के लिए मैं दुनिया में कोई भी रिपोर्ट पढ़ता हूँ ना, चाहे IMF की हो, वर्ल्ड बैंक की हो, वो ये कहते हैं दुनिया भर में पॉपुलेशन क्रैश कर रही है। चाइना की पॉपुलेशन, जापानीज पॉपुलेशन, यूरोपियन पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी हद तक स्टेबल है, बट इस आबादी के पास स्किल नहीं है। ये बहुत ही ज़रा इंपॉर्टेंट है कि सरकार आने वाले कुछ सालों में एक बड़ी आबादी के लिए स्किल्ड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे। इसके लिए हम इंटरनेट और वेरियस और मीडियम्स का यूज कर सकते हैं। कुछ इनोवेटिव थिंकिंग चाहिए होगी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए होगी, तो बिल्कुल इंडिया आराम से एक हायर ग्रोथ रेट को टच कर लेगा। बट एटलीस्ट हम 6.5% की ग्रोथ रेट एट ए मिनिमम तो देते रहेंगे, जिससे इंडिया जो अपने बड़े टारगेट है, जैसे कि 4 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, इसको तो आराम से अकॉम्प्लिश कर लेगा। और वैसे अगर हम बात करें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो अगर हमें 2028 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो हमको एट एन एवरेज 7.4% की ग्रोथ रेट दिखानी होगी। तो चैलेंज हमारे साथ बना हुआ है, हमें बीच में ना 1 से लेकर 2 साल चाहिए, कहीं से हम 8.5% की जो एनुअल ग्रोथ रेट अगर दिखा देते हैं, तो बिल्कुल 2028 या फिर उसके आसपास हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। नहीं तो मोस्ट प्रॉबली ये टारगेट 2029-30 के आसपास ही हम अकॉम्प्लिश कर पाएंगे। नाउ ये सब जो पॉजिटिव बातें हैं, ये देखकर बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगता है। डेफिनेटली हम लोग जापान और जर्मनी को बीट कर देंगे नॉमिनल GDP के मामले में इसी दशक में। बट एक चीज़ हमको ये भी देखनी होगी कि 2024 में क्या होता है, क्योंकि एक तरफ बिल्कुल मूडीज़ ने, उसके अलावा मॉर्गन स्टैनली, वेरियस रिपोर्ट्स आ रही है USA से, सब लोगों ने इंडिया को लेकर जो अपना व्यू है, जो अपनी प्रिडिक्शन है, ये इम्प्रूव कर दिया है। सब कह रहे हैं कि इंडिया एक्स्ट्रा ग्रो करेगा, बट एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की प्रिडिक्शन ये थी कि पहले क्वार्टर में, इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में हमारी ग्रोथ रेट 8% रहेगी। तो 7.8% की जो ग्रोथ रेट है ना, ये RBI की एक्सपेक्टेशन से माइन्यूटली थोड़ा सा कम है। और इसीलिए एक बैड न्यूज़ थोड़ी ये भी आई है कि मूडीज़ ने एक तरफ तो ये कह दिया कि जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमारी ग्रोथ रेट बिल्कुल बढ़ेगी, बट एट द सेम टाइम इन्होंने ये कहा है कि 2024 में, ये पहले कह रहे थे कि इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी 6.5%, अब ये कह रहे हैं कि ये ग्रोथ रेट गिरकर 6.1% हो सकती है। तो ये चिंताजनक है, क्योंकि अगेन एज आई मेंशन अर्लियर, मिनिमम 6.5% की ग्रोथ रेट चाहिए ही, उसके ऊपर मिलेगी तो खैर दैट बी ग्रेट, बट 6.1% की जो प्रेडिक्शन आती है ना, दिस इज चैलेंजिंग, दिस इज वरिंग। तो देखिए, अभी तक जो नंबर सामने आए हैं, चाहे रेनफॉल कम हो, इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ गई हो, ग्लोबल कंसर्न्स हो, तब भी हमारे सर्विस सेक्टर के दम पे हमने ये 7.8% का आंकड़ा छू लिया है। देख के अच्छा लगता है कि चाइना, US, वेरियस और कंट्रीज की जो ग्रोथ रेट है हमसे बहुत पीछे है, बट एट द सेम टाइम इसको कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पाना पूरे फाइनेंशियल ईयर में, ये चैलेंज रहने वाला है। अभी बस Q1 आया है, देखते हैं Q2, Q3, Q4 में क्या होता है। दिस ईयर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज ग्रोथ जर्नी, और इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्वियसली कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, तो उस पर इन द फ्यूचर मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए ले आऊंगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि नेशनल स्पेस डे इंडिया अब कब ऑब्जर्व करेगा हर साल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23 अगस्त। 23 अगस्त वो तारीख है जब Chandrayaan-3 ने एक सॉफ्ट लैंडिंग करी थी मून के साउथ पोल रीजन में। और आपको पता होगा कि जो एरिया है जहां पे लैंडिंग हुई थी, उसे हमने अब नाम दिया है शक्ति स्थल। तो इसी बात को कमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, देश हर साल सेलिब्रेट करेगा 23 अगस्त को एज नेशनल स्पेस डे। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था इंडियन ग्रोथ का पहले क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर के, तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है। 7.8% का आंकड़ा जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त
दिखाता है कि इंडिया की ग्रोथ जीडीपी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। और वहीं पे हैरान कुन चीज़ है कि चाइना बहुत नीचे नज़र आ रहा है 6.5% पे, और अमेरिका तो और ज़्यादा नीचे, और बाकियों की तो बात ही ना करें, और हमारा तो कोई हिसाब ही कोई नहीं है उसमें, तो मनफी में जा रहे हैं। तो बहुत सारे ममालिक मनफी में जाते हैं, देख के थोड़ा सा दिल को तसल्ली होती है कि चले हमारे साथी भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन खैर देखिए उनके पास रिजर्व पड़े हुए हैं इसलिए वो सर्वाइव कर पाते हैं। देखिए ये इंडिया की जो इकॉनमी है उस उनको किस तरह से उन्होंने सेट किया है, उसके पीछे उनकी एक्सपोर्ट का लेवल जिस हद तक उन्होंने बढ़ा दिया है, जिस हद तक दुनिया में उन्होंने अपनी चीज़ों की मांग बढ़ा दी है, यही वजह है कि इसको कोई डाउनफॉल नज़र नहीं आता, कि क्योंकि वो चीज़ भी मयारी और सस्ती और जिससे दुनिया बेहतरीन चीज़ हासिल कर सकती है, और हम अपना हमसाया होने की बिना पर भी वो फ़ायदा उससे नहीं उठा पाते जो बाकी देश उठा रहे हैं। तो इंडिया की ग्रोथ ऐसे ही रहेगी और इससे भी आगे बढ़ेगी, और ये जो उन्होंने गोल रखा हुआ है 8% के करीब का मिनिमम, मेरे ख्याल में तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने तक ये ग्रोथ इतनी रहनी चाहिए। बिल्कुल जी, चीज़ ये है कि ये ज़बरदस्त न्यूज़ है और इसके लिए कि इकॉनमी बूस्ट कर रही है, आगे जा रही है, बाकी पूरी कंट्रीज जो है ना, जो दुनिया जो पूरी है दुनिया नीचे जा रही है, उसका डाउनफॉल आ रहा है। देखिए पूरी दुनिया में महंगाई भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, वहीं पे इंडिया की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, पीछे कोई ना कोई तो वजह है ना, वजह उनकी वजह ये है कि सबसे पहले तो उनके पास जो एज है वो ये है कि उन्होंने आज से 30 साल पहले ही अपने लोगों को एजुकेटेड करना शुरू किया था, जो आज उन्हें जो है ना वो फल मिल रहा है, जो उस वक्त उन्होंने बीज बोए थे। अब मुझे हैरानी है, अभी भी कह रहे थे कि लोगों को बड़ी मिकदार में स्किल्स प्रोवाइड करने की जरूरत है। अब देखिए उसके लिए अब देखिए तालीम तो हासिल होगी ना, स्किल्ड जो होते हैं जो बाहर कंट्रीज में को चाहिए। अब देखिए बाहर लेबर शॉर्ट हो रही है बहुत से ममालिक में, जापान को ले लें, चाइना को ले लें, उनकी जो आबादियां वो कम हो रही हैं क्योंकि उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई हुई थी। आबादी ज्यादा है लेकिन स्किल लेबर का मतलब यही है सर, इंडिया की बात कर रहे हैं, बाकी की आबादी सुकड़ रही है, कम हो रही है, तो अब उनको जो वर्कर की जरूरत है उनको स्किल्ड वर्कर की जरूरत है। हमारे पास आबादी समझ ले, पाकिस्तान के पास, इंडिया के पास आबादी वाफर है, ठीक है, स्किल्ड नहीं है, हमारे पास तो तालीम भी नहीं है, इंडियंस के पास तो काफी ज्यादा तालीम भी हासिल हो चुकी है, तो आप उनको जब स्किल प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो जो है ना कंपनीज जो है ना वो बाहर उनको लेकर जाएंगे, उनको जॉब प्रोवाइड होगा, उससे भी जरा मुबादला इंडिया में आएगा, तो इससे भी फायदा उठाने के लिए उन्होंने, देखिए पिछले दिनों हमने वीडियो देखी थी वो मोदी जी की, तो वो जाके पता नहीं कितने दूर दराज इलाकों में वो जिसको आदिवासी कहते हैं उनको भी वो स्किल्ड प्रोवाइड किए, उनको उन्होंने कहा कि हमने लाखपति दीदियां बनानी है, तो वो स्किल्ड जो है ना वो आने वाले वक्त में इंडिया को बहुत ज्यादा, आज तो ये 7.8 है, आने वाले वक्तों में जब स्किल्ड लेबर आ जाएगी तो इसके लिए इंडिया को बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाने पड़ेंगे और पूरे ही भारत में चलाने पड़ेंगे, हर स्टेट को यंग जनरेशन है और खासकर जो गर्ल्स हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाए, तो ये बहुत ही जबरदस्त होगा अगर इस तरह करते हैं, तो इंडिया की एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ेगी और ये जो उनके टारगेट्स हैं, टारगेट्स हैं जब वो टॉप 3 में आना चाह रहे हैं मुशीर में, तो उसके लिए फिर इसको लगातार कंटिन्यू रखना पड़ेगा, और कंटिन्यू रखने के लिए वो कहते हैं ना कि एक बंदा जीत गया तो उससे वो साहब मुबारकबाद दे रहे थे, तो वो कह परेशान था, तो उन्होंने पूछा क्यों परेशान है, आज तो आपको खुश होना चाहिए, उसने कहा कि आज मुझे ये जीतने के लिए 20 साल लगे ट्रेनिंग करते हुए दिन रात, तो अब मुझे ये परेशानी है कि अब इसको मैं कंटिन्यू रखने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो यही सारी चीजें हैं कि ये आगे बढ़ रही हैं, तो इसको और आगे बढ़ाने के लिए और मेहनत की जरूरत है। और जी बिल्कुल जी, साबिर सुल्तानी साहब भी बहुत मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और उनका असर आपको नजर आता भी होगा इनकी बातों में। खैर ये भी जरूरी है, अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए हर चीज के लिए, हर काम के लिए, तो इंडिया इस टाइम बहुत ज्यादा मोटिवेट है 5 trillion इकोनॉमी बनने के लिए, और हमारी भी दुआएं कि वो कामयाब। मैं तो इंडियन जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स देख के मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि यार किस हद तक वो अपने मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं, किस हद तक वो जुनून की हद तक अपने मुल्क के लिए जो है ना लगाव रखते हैं, तो यही चीज है कि आज हमें नजर आ रहा है कि आज वो 7.8 के साथ ग्रोथ कर रहे हैं, अगर इसी तरह से लगन से वो काम करते रहेंगे बिल्कुल आगे और बढ़ेंगे बढ़ेंगे, और हमें भी इस चीज का दुख है
कि हम कहीं नजर नहीं आ रहे, अनफॉर्चुनेटली बड़े ही अफसोस की बात है। हमारी तवज्जो आज भी कहीं और पे मरकूज है। आई होप सो आज का ये वीडियो है जबरदस्त, आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।